करेंगे। आर्मी रिक्वायरमेंट ऑफिस ने बता दी कि कर्नल सर्द द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया नई पॉलिसी के बारे में जानकारी देते हुए पत्रकारों को संबोधित किया गया। पूरे देश में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया होगी, जिसमें देश के अलग अलग सेंटर की परीक्षा के लिए होगी तथा अपने 4 साल पूरे होने पर वॉलेंटियर को क्या फायदा होगा, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट अजय पहावा, लुधियाना पंचायत। 25% लोगों को परमानेंट किया, जिस बच्चे में काबिलियत है उसको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता, जिसमें काबिलियत नहीं है उसको कोई भर्ती नहीं कर सकता। ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है। बच्चों को कन्फर्म है, मेरिट है, मेरिट में कहाँ कट ऑफ आएगी वो कोई भी नहीं बता सकता। बट ये बहुत बुरा होता था पहले कि लोग बोलते थे गाँव से ले आते थे कि कवर्ड है, बच्चों की इंश्योरेंस कवर्ड है और बच्चों का मेडिकल कवर्ड है, 30 दिन की उनको छुट्टी मिलेगी इस दौरान, उसमें से कुछ एक 100 रह जाते थे। अब बुलाए ही कम लोग जाएंगे, तो जिनको बुलाया जाएगा उनको ये पता लग जाएगा कि जी हम रिटर्न पास हैं, हमारी एकदम शॉर्ट में। ओके, गुड मॉर्निंग। आज की जो ब्रीफ है वो आप सबको जो भारतीय सेना की रिवाइज्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी है उसके बारे में बताने के लिए है। इस पॉलिसी में पहली बार रिटन एग्जाम पहले हो रहा है, बशर्ते रैली के। बच्चों का रजिस्ट्रेशन इस साल के लिए खुला हुआ है, 16 फरवरी से 15 मार्च तक की रजिस्ट्रेशन की डेट है। रिटन एग्जाम जो होएगा कंप्यूटर के ऊपर होएगा, 176 सेंटर्स में होएगा ऑल ओवर इंडिया। लुधियाना के लिए ये एग्ज़ाम लुधियाना शहर में ही होएगा। 17 से और करीब 5 या 7 दिन तक, 17 अप्रैल से ये रिटन एग्ज़ाम होएगा। इसके बाद मेरिट बनेगी, मेरिट बनने के बाद उनको फिजिकल रैली के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम के लिए इंडियन आर्मी ने बच्चों को सहूलियत देने के लिए इसके कई सारे वीडियो, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, यूट्यूब पे और जॉइन इंडियन आर्मी के ऊपर डाल रखा है, जो कि बच्चे डाउनलोड करके देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में इस बार थोड़ा बदलाव है, जो बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं उनको 250 रुपये की फ़ीस लगेगी। एक्चुअल फ़ीस 500 रुपये है, लेकिन 250 रुपये फ़ौज अपनी तरफ से दे रही है, 250 रुपये बच्चों ने पेमेंट करना है, जो कि किसी भी ऑनलाइन माध्यम से, UPI से, बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी माध्यम से किया जा सकता है। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन में डिजी लॉकर को भी सम्मिलित कर लिया गया है, ताकि जो डॉक्यूमेंट बच्चों के डिजी लॉकर पे है वो आराम से ऑनलाइन रजिस्टर हो जाए, ताकि फ्रॉड का या बदमाशी का या कोई भी गलती का काम कम से कम हो। रिटन एग्ज़ाम होने के बाद मेरिट आएगी, मेरिट के बाद लोगों को परमानेंट रैली के लिए बुलाया जाएगा, जो फिज़िकल रैली होती है। रैली लुधियाना शहर के अंदर इसी कॉम्प्लेक्स में, पीछे हमारा ग्राउंड है वहीं होगी, और ये रैली लुधियाना के लिए सितंबर में शेड्यूल की गई है। पास हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे मेरिट में, उनकी ट्रेनिंग 1 नवंबर 2023 से शुरू होगी। ट्रेनिंग 6 महीने की होगी और ये 6 महीने का पीरियड जो है वो 4 साल की नौकरी के तहत शामिल होगा। जो पेमेंट की डिटेल्स हैं और जो छुट्टी की डिटेल्स हैं या बाकी जो तमाम डिटेल्स हैं वो जॉइन इंडियन आर्मी साइट पे आप सबको मिल सकती हैं। एक एक हैंडआउट मैं आप सबको दे रहा हूँ, जिसमें कि ये बाकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। थैंक यू। जो 4 साल के बाद बाहर आएंगे, पहले तो बात ये है कि सब बाहर आएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ आएंगे, सबका 4 साल के बाद पीरियड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पहला ऑप्शन उनको मिलेगा वॉलेंटियर करने के, कि आप फौज में आगे नौकरी करना चाहते हो कि नहीं। जो तो वॉलेंटियर करेंगे फौज में, उनका जो उनकी परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उस बैच की 25% वैकेंसियों के तहत उनका सिलेक्शन होगा। अगर बैच में 40,000 लोग थे तो 10,000 वॉलेंटियर्स का सिलेक्शन होगा। जो बच्चे वॉलेंटियर नहीं करते हैं फौज में आने के लिए, उनको कई सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे कि रेलवेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट पुलिस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन सब में रिजर्वेशन और एक फिक्स्ड कोटे की अलॉटमेंट करी जा रही है। इसके अलावा भी अगर उन्हें कुछ नहीं करना तो उन्हें 12 लाख रुपए का एक कॉर्पस हाथ में आएगा, सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, वो कोई भी अपना बिजनेस या फॉरेन जाने का अगर उनका सपना है तो वो, या कोई भी अपना छोटा मोटा काम खुद का शुरू करना चाहते हैं तो वो शुरू कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जज्बा सब में होता है देश की नौकरी करने का, देश के लिए काम करने का, लेकिन सब नहीं चाहते कि मैं परमानेंट ये काम करूं। यह आधे रास्ते जाके लगता है किसी को कि जी मेरे बस का नहीं है या मेरा ये लाइन नहीं है,
तो उनको मौका है कि जी 4 साल आप करके देश की सेवा और उसके बाद फिर आप जो मन में आए वो कर सकते हो, तो दोनों काम हो जाएंगे। बच्चों को फ़ायदा है कि उनके डॉक्यूमेंट सही हो जाएंगे और उनको एक कॉर्पस मिल जाएगा जिसके तहत वो अगर कुछ भी अपना शुरू करना चाहे तो अपना खुद का काम भी शुरू कर सकते हैं। 12 लाख के साथ किसी घरवाले की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, भाई बहन की देखने की ज़रूरत नहीं है, बैंक की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। 12 लाख एक ठीक ठाक अमाउंट है इंडिया में आज के दिन पे कुछ भी नया शुरू करने का। पेंशन वाला स्कीम बंद है क्योंकि ये 4 साल की है, इनको पेंशन नहीं लागू होगी। जो परमानेंट 25% हो जाएंगे उनको पेंशन लागू होगी उसके बाद। बेसिक कितने से शुरू होगी? इनकी बेसिक जो है वो 30,000 से है, जिसमें से 9,000 ये कंट्रीब्यूट करेंगे अपने कॉर्पस के लिए, 9,000 पर महीना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी तो 18,000 हुए, और यही टोटल 4 साल बाद 10 लाख रुपए कॉर्पस प्लस इंटरेस्ट टैक्स फ्री अगर आप मिलाओगे तो 12 से 15 लाख रुपए के बीच में बनेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि joinindianarmy.in एक ही साइट है हमारी, जो तमाम रजिस्ट्रेशन तमाम भर्ती उसी साइट पे होती है, उस पर कहीं कोई और जो बच्चे पहले भी देते आए हैं उन सबको ये पता है क्योंकि सबको इस साइट पर रजिस्टर करना ज़रूरी है। एग्जाम का 176 सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया होंगे। अगर आप पंजाब की बात करें तो जलंधर में एग्ज़ाम होगा, पठानकोट में एग्ज़ाम होगा, लुधियाना का हमारा जो एरो है हमारा एग्ज़ाम लुधियाना शहर के अंदर ही होगा, किसी एक कॉलेज में होगा जो कि TCS एक एग्जामिनेशन सेंटर चलाती है जहां कंप्यूटरों के ऊपर इनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा।